तो देख सकते हैं 140 किलोमीटर टाइम हो चुका है 3:02 AM। तो अभी मेरे को देख सकते हो यही रास्ता है, तो मेरे को अभी रास्ते में भूत भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो वही आप लोगों को बोल रहा सुकून लगता है बोल के, देख सकते हो पूरा अंधेरा है इधर। हाँ सुकून बोले तो सुकून लग रहा है, लेकिन डरावना भी थोड़ा बहुत लग रहा है। ये रास्ता सुनसान है ना, अभी कोई भी नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे का मैं कर रहा हूँ लाइट और पीछे कर रहा हूँ मैं, नहीं तो ऐसे ऐसे करूँगा तो मैं आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए दो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो बहुत ही कोहरा गिरा हुआ है, मतलब फॉगी वेदर है, और मेरा ये सब भीग चुका है, देख सकते हो कपड़े वपड़े सब कुछ भीग चुका है। तो ये सुनसान रास्ता फील करके जाते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हैं इतना सुनसान है ना इधर में, सुनसान है मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे दोपहर का अलग हो रहा है, बोल ही रहा था अंधेरे में। तो वही मतलब अभी सुकून मिल रहा है, कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, देख सकते हो ये रास्ता मतलब दोपहर का अलग होता है, ये अभी का अलग है। आप महसूस कर रहे हो ना मैं कितना मस्त हूँ, अभी देखो मैं अभी सड़क पर भी बैठ सकता हूँ आराम से, देख सकते हो मतलब कितना सुकून है ना। तो गाइस देख सकते हो जहाँ भी रोशनी मिलता है कितना क्लियर होता है ना, एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। तो टाइम हो चुका है 4:06, 13 जनवरी। ओ देख सकते हो गाइस ये मेरे को पल्लव भाई ने दिया था उस टाइम खरीद के, तो अभी खा लेता हूँ। और फट रहा है मतलब क्या हुआ है, मैं अंदर से गर्मी हो चुका है, मतलब गर्मी उठ रहा है पूरा, क्योंकि अभी वर्कआउट हो रहा है ना, गर्मी हो रहा है, इसलिए अभी मेरा का मेरे को मतलब अंदर से पसीना हो गया है। अभी अभी रुकेगा तो ठंडा लगेगा ये ठंड। और पल्लव भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, ये अभी एनर्जी मिल जाएगा मेरे को सुबह सुबह 4 बजे। वो मतलब एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मतलब मैं हाईवे पे हूँ, अंधेरा है, वो आगे से एक गाड़ी आ रहा है देख रहे हो, तो ये तो मेरे को नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी कोहरा भी है। तो मेरा देख सकते ऐसा सिग्नल होता है, ये सिग्नल दे देगा तो ये लोग साइड दे देता है। ये देखो ट्रक आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, हाँ साइड दे दिया, ऐसा सिग्नल देना पड़ता है मेरे को देखो ये साइकिल में अंधेरा में ऐसा ही, क्योंकि हाईवे ठोक के चला जा सकता है। तो इसलिए आप लोग मतलब पूरा प्रिपरेशन में अगर हाईवे पे राइड कर रहे हो रात को, तो ये वाला आप नहीं करोगे तो आपको ठोक के चला जाएगा, हम ज़रूर बोल रहा हूँ मैं ये वाला रूल्स। मतलब अपना अगर साइकिल राइड कर रहे हो ना जब भी, तो ये वाला रेगुलर मेंटेन करना, क्योंकि यही एक ऑप्शन होता है, पीछे से भी नहीं देखता है और आगे से भी नहीं देखता है, स्पेशली इन द विंटर सीजन। देख सकते हैं आप 5:09 हो चुका है, तो अभी सवेरा होने वाला है थोड़ी देर के बाद। तो ऑलमोस्ट खोआंग पहुंच गए मैं, पूरा अंधेरा है, तो पाम कम हो गया मेरा बाइसाइकिल का, तो इसको देना था, लेकिन यहाँ में पेट्रोल पम्प 24 आवर्स है, लेकिन पंप इधर में काम करने वाला पंप का आदमी, तो वही हवा देना था, स्पीड कम में जा रहा है, आप लोग देख सकते हो इधर में पंप बहुत ही कम है, तो स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी आगे जाके देखता हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुबह 5:30 का नज़ारा कुछ ऐसा टाइप का है, पूरा जैकेट और मेरा पैंट भीग चुका है, पूरा कोहरा ही है तब से, और यहाँ में कैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा टाइप का है। सो रहा है ये और खुला नहीं है क्या, थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा, निकले से डाल दीजिए तो दिन में दो, मैं खुद डाल लेता हूँ इससे। दुकान बंद है, मैं थोड़ा तो पीक चुका हूँ, दुकान बंद है, खुद ही दे लेता हूँ, थोड़ा सा ही देना है देख सकते हो ये रहा। तो हो गया ये बंद, तो हो चुका है, तो जुगाड़ तो खुद ही करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा ना कैसे चलेंगे, ऐसा ही जुगाड़ होना है। तो फिलहाल देख सकते हो पूरा रोशनी हो चुका है अभी, और अभी सनराइज होने वाला है। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा टाइप का बोले तो, रोशनी हो चुका है देख सकते हो, और अभी भी कोहरा बाकी है। तो करीले मोरन पहुंचने वाला हूँ देख सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब तक मैं सोया ही नहीं हूँ, ये सब पूरा भीग चुका है, और पूरा अल्टीमेट एनर्जी लेवल मतलब बिना प्रैक्टिस करके डायरेक्ट चला रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लास्ट जो अनिनी ट्रिप था वही कंटिन्यू कर रहा है, और उस टाइम प्रैक्टिस था थोड़ा, लेकिन अभी बिना प्रैक्टिस करके डायरेक्ट चलाया, आज डिब्रूगढ़ से आ रहा हूँ। तो फाइनली मोरन गाइस डन इट, यो जॉय आया हम डन इट में, मोरन पहुँच गया है मस्त, तो देख सकते हो साइकिल अल्टीमेट। तो अभी तक सोया नहीं है मेरे को गाइस, आप लोग देख के बता सकते हो मेरे को कैसा लग रहा है,
मतलब एनर्जी ले जैसा लग रहा है क्या या नहीं लग रहा है, आप देख सकते। लेकिन मेरा एनर्जी अभी भी है, कम नहीं हुआ है। तो चलते हैं। तो एक ही मात्र चीज होता है, बाथरूम। बाथरूम यूज कर रहा है, बाथरूम यूज कर रहा है। एकमात्र जगह मिलता है वो भी पेट्रोल पंप, तो मैं हल्का हो लेता हूँ। तो एकदम अच्छा से फ्रेश हो लिया। और ये प्रॉपर मोड़ान जो टिनाली होता है ना, जो राइट से अभी मैं चौड़ा रोड वाला शिवसागर वाला रास्ता पकड़ने वाला हूँ, तो वही पहुंच गया। अगर सेंटर पॉइंट देख सकते हो, ये वाला अल्टीमेट। तो हियर इज द मोरान टाउन। मॉर्निंग का टाइम भी कुछ ऐसा टाइप का है, खाली है। उस दिन जिस दिन ये बाइक खराब हुआ था, सीज मारा था ना, वो पिस्टन वाला प्रॉब्लम, पूरा भीड़ था, ज्यादा ही भीड़। तो मोरान में बिहू बाजार हो रहा है, देख सकते हो पूरा सवेरा है 7 बजे। अल्टीमेट बाजार लग चुका है। और देखो ये आलू मिल रहा है, मीठा आलू मिल रहा है, देख सकते हो। और आप लोग मेरे को कॉपी मत करना, ये कॉपी करके गलती मत करना। टाउन पे मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ साइकिल, कॉपी मत करना, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस हो चुका है विद लगेज एंड ऑल। कितना किलोमीटर चला ही रहा है, चला ही लिया, इसलिए आप लोग कॉपी मत करना। अगर प्रैक्टिस पे हो, कॉन्फिडेंट है, तब करो। देख सकते हो, दिस इज विवेक, आई एम कॉलिंग विवेक। तो विवेक का घर का सामने ही हो, और ये साइकिल राइड देख सकते हो, फोन नहीं उठा रहा। की बोल रहे? तो ये मोरान टाउन पे विवेक भाई को मिल गया है, तो थोड़ा चाय पी लेते हैं इसके साथ। बहुत दिन के बाद मिला, एक साल के बाद, पूरा एक साल के बाद। दिस इज विवेक, अपना कॉलेज का ही फ्रेंड है। हाँ पूछ रही काम, विवेक ऑन फायर ने की, विवेक ऑन फायर। মারানো বিষয় নেকি ভাই? খবর দি মজা এইটো রেকর্ডিং হলো, একদম রঙা রঙা পুড়ি। পৌঁছ গিয়ে শিবসাগর, দিস ইজ শিবসাগর, দেখ সকতে হো, ওয়েলকাম টু শিবসাগর। गाइज अल्टीमेट अभी भी कोहरा ही है, देखो 10 बज चुका है, अभी कोहरा है, आज धूप नहीं निकलेगा शायद। तो शिवसागर आने से तो थुलुक से मिलना तो होता ही है। तो देख सकते ये रहा, दिखो दिखो नदी। अल्टीमेट वही रात भी एक दिन इसमें टॉयलेट ब्रेक लिया था, ये रास्ता था थुलुक का घर में रुका था ना, जिस दिन साइकिल पे आया था, देख सकते हो। फिर से इसी रास्ते से फिर से आ रहा हूँ। सुबह का व्यू मस्त है, 10 बजे का व्यू। आज 10 बजे जैसा नहीं लग रहा ना, आज फॉगी है वेदर, ठंडा बढ़ रहा है पहले से, फॉगी वेदर है और गर्मी इतना भी नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत लग रहा है। দাস দা, ও মানুহটো চালিয়া হৈ আছে যে, তই কালি সিদিনাখনটোক একদম ফকৰ লাগিছিলে, আজি যে হেভি চালিয়া হৈ গৈছে। কি বল, ফোনটো এনেই কৰি ৰখাইছে মোক, কৈ নাই ফোন কৰি হা। তই ফাইনেলি পহঁচ গিয়া ফিৰছে থুলু কেন্দ্ৰ। আজি আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ লগতে ঘূৰি দিওঁ আৰু। तो गाइस वेलकम टू द प्रीवियस ब्लॉग अगेन। तो हम लोगों ने व्यू पॉइंट देखा, उधर से शिलोंग बाईपास रोड क्रॉस किया, उमियम ले क्रॉस करके आ चुका हूँ, और रात में इतना अच्छा से नहीं सोया, अभी जाके सो जाऊँगा। लेकिन आज का जो 25 दिसंबर है ना, ये जो क्रिसमस देखते, लेकिन मेरा अभी नींद
अच्छा नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट अभी ज़्यादा दूर नहीं है और 50 किलोमीटर बाकी है गुवाहाटी तक। तो वही वहाँ कवर करने के बाद सोचते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं गुवाहाटी में ठहरने वाला हूँ और कल मैं निकल जाऊँगा जोरहाट तक, क्योंकि बहुत बड़ा राइड बाकी है, अभी भी धेमाजी जाना बाकी है मेरा। तो ये शिलोंग का एकमात्र रास्ता होता है जो पहाड़ी में फोर लेन, और ये दिमापुर जाने वाला रास्ता भी वैसा ही होता है और हाफलोंग वाला रास्ता भी, क्योंकि ये फोर लेन का पहाड़ी का जो हिल्स का रास्ता होता है ना वो अलग ही किस्म का होता है। तो ये शिलोंग लाइफ में जब फर्स्ट टाइम फोर लेन जो हिल्स का इलाका था, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसी रोड पर राइड किया था और तभी जाके मेरे को एक्सीडेंट भी हुआ था। वो ना बहुत पहले का बात है, पहले भी दिखा सक चुका हूँ स्पॉट एंड ऑल। तो वही लाइफ में पहला बार यही रास्ता था मेरा हिल्स में फोर लेन वाला, अब बहुत गजब का राइड था, इसी बाइक पे मैं किया था तो सही है। तो ऑलमोस्ट ये पता नहीं ये नॉर्कोंग ये क्या जगह का नाम बोलता है मैं एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अभी तो उड़ रहा है बाइक तो मेरे को नींद भी आ रहा है बीच बीच में। थोड़ा देर पहले मैं चॉकलेट खाया था, रुक के पानी पिया था, ब्रेक ले लिया था, क्योंकि 2 या 3 घंटा जैसा ही मैं सोया हूँ अब तक वही पेट्रोल पंप पे, क्योंकि रात तो भीग गया था, भीगा नहीं था मतलब मेरा ड्रेसेस है ना वो ये सब भीग गया था बारिश पे, वो खेरियत का इलाका में बारिश दे रहा था। तो अभी गुवाहाटी ज़्यादा दूर नहीं है और 35 किलोमीटर जैसा है, तो आगे जाके कहीं नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद मैं डायरेक्ट गुवाहाटी, और गुवाहाटी में मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मेरा शरीर को भी देखना होगा ना, बाइक को देख रहा हूँ पेट्रोल डाल रहा हूँ, नहीं शरीर को नहीं दिखाऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो यहाँ में थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो रहा है, मेघालय मतलब शिलोंग वाला साइड पे ज़्यादातर ठंडा था, पूरा काँप के रखा था। भी देख सकते हो पोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि गुवाहाटी के और हम लोग बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो ऐसे ही जितना भी टाउन का इलाका के पास हम लोग बटे रहेंगे पहाड़ी से, तो वो हम लोगों का ये डायरेक्ट मतलब क्या बोलता है ये मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ ज़्यादा हो जाता है, वैसा ही अभी चल रहा है। और ये रास्ता में मेरे को ना बोरिंग लग चुका हूँ, मैं अभी फिर से आना होगा शायद करीमगंज, और उस टाइम अगर आ भी जाऊँगा ना तो फिर से ये वाला रास्ता में साइड में नहीं आना, दूसरा वाला रास्ता सिलेक्ट करने वाला हूँ शायद इस बार से, अगर आने का टाइम है वही हाफलोंग होके आऊँगा शायद। तो अभी देखते हैं 25 का दिसंबर का हालत देखते हैं गुवाहाटी में कैसा सीन है, अगर अच्छा सीन मिलेगा तो रिकॉर्डिंग करूँगा, नहीं तो डाके झप्पी लेके सो जाऊँगा क्योंकि बहुत सोने वाला हूँ मैं अभी। ऑलमोस्ट जोराबाद से आ चुका हूँ, तो ये खाना पड़ा पहुँचने वाला हूँ, तो भाई भाई साहब का जुगाड़ देख सकते हो ये बेच रहा है यार, तो पूरा फुल लोडेड है, सब कुछ मिलता होगा शायद, चश्मा वश्मा बेल्ट वेल्ट ये की रिंग्स एंड ऑल, वो अल्टीमेट अल्टीमेट भाई साहब अल्टीमेट जुगाड़ सही है पूरा। ये खाना पड़ा तो पहुंच गया, लेकिन ये खाना पड़ा इलाका बहुत ही जाम होता है, स्पेशली इस बाइक को लेके जाने के लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मेरा ये लेग गार्ड्स भी बहुत बड़ा है और ये हील वाला जोन ही हो जाता है खाना पड़ा पूरा जोराबाद से लेके यहाँ तक। तो ये ऑलमोस्ट असम नहीं है, ये मेघालय ही है, फिर से हम लोग अभी गुवाहाटी घुसने के बाद वो हो जाएगा असम, तो आप लोगों को दिखाई देगा अभी आगे जहाँ पुलिस खड़ा रहेगा वही हम लोग का बॉर्डर बन जाएगा, मतलब ये असम और मेघालय का। ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया, तो अभी जाते हैं कमरे में दोस्त का, फिर छप्पी लेते हैं और कल फिर से राइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वाओ क्या अल्टीमेट सफ़र लग रहा है ना आप लोगों को देखने में, मैं मतलब मस्ती कर रहा हूँ जैसा लग रहा है, घूम रहा हूँ जॉब कर रहा हूँ वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, बहुत रिक्स लेके जाना पड़ता है यार सच में। ये जो आप एक्सेलेटर देख रहे हो ना राइट हैंड वाला है मेरा, इस पे जान रहता है पूरा जान। तो अभी थोड़ा बहुत गुवाहाटी देखते हैं ऊपर से नीचे से बाइक से बैठे बैठे, लेकिन तो ऐसा खाली रास्ता मिलने से बड़ा अच्छा लगता है, अल्टीमेट लगता है जाने के लिए। तो यही है गुवाहाटी, कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग का आर्ट ही है, ये आर्ट में से एक पार्ट है, एक लोकेशन गुवाहाटी आसाम इंडिया बस। लेकिन गर्म दिन में बहुत गर्मी होता है, लेकिन हिस्सा साइड में। सो वेलकम बैक अगेन, अभी जाके सोके उठा है, बहुत देरी सो लिया लेकिन बहुत देरी, और तो आज तो क्रिसमस है, तो क्रिसमस के दिन का प्लानिंग नहीं है, आके रेस्ट लिया कल बच के आया, बस वही प्लानिंग कर रहा था कल, मतलब अच्छा से आने का टाइम मस्ती करेंगे, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि वही मतलब बारिश के कारण। तो जो भी हो कल मैं सुबह निकल जाऊँगा, तो जुगल भाई का कमरे में हूँ, वो है नहीं, वो ड्यूटी पे, सॉरी ड्यूटी नहीं, ड्यूटी पे मेरे दोस्तों का कुछ काम है, वो इधर ही गया हुआ शिफ्टिंग के वैसे ही कुछ काम है, पता नहीं सुबह ही निकल गया था वो,
तो खैर इतना ही, देखते अभी अभी मतलब बाहर जाने का सोच रहा हूँ, मतलब गुवाहाटी कैसा सजा के रखा है वही एक बार देखते जाके। उनकी हम वकम यजाम है सुगंधि पुष्टि पर दम कुर्बानों के मंदन में मित्र मुक्ति अमानी से ओम शांति शांति शांति। तो निकलते हैं हर महादेव। तो गुड मॉर्निंग 17, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा ब्लॉग्स। तो देख सकते हो मैं गुवाहाटी से निकल गया, ये प्रॉपर गुवाहाटी है अभी। तो खाना पड़ा होके मैं अभी जोड़ा जाने वाला हूँ। अरे एक बाटरा जगह खाना पड़ा ही होता है ना मेन जगह, तो मैं इतना भी बोलना भी नहीं चाहिए सब। तो ऑलमोस्ट आज का सफ़र फिर से जोड़हाट तक, घर तक, फिर वहाँ से धेमाजी निकलना है मेरे को, स्पिरिचुअल मीटअप भी है। तो मेरा सीरियली जा रहा है राइडिंग। ये गुवाहाटी को टाटा बोलते हैं, ये लास्ट ओवर ब्रिज फुट ब्रिज होता है, उसके बाद खाना पड़ा आ जाएगा आगे, मतलब फिर से मेघालय। उसके बाद फिर से वहाँ सोनापुर तक निकल जाएंगे, वहाँ जोराबट तक, फिर हम लोग जोराट के और काजीरंगा क्रॉस करना है फिर से, फिर से गुवाहाटी वाला रास्ता। उफ़ बोरिंग, 350 किलोमीटर, ये मेरे को सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि हैंडल पकड़ने के बाद मतलब अलग हो जाता है सीन के साथ। तो दिस इज़ खाना पड़ा, प्रॉपर खाना पड़ा। और इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक बात मतलब इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, ये ही एक जगह होता है, हर जगह 24 आवर्स ये ओपन रहता है, यहाँ में आप लोगों को बसेस मिलता ही रहेगा, जहाँ भी जाओ, मणिपुर जाओ, जोरहाट जाओ, अपर असम, लोअर असम, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, जहाँ में भी जाओ आपको मिलता रहेगा। यहाँ से इटा आपको ISBT से बहुत दूर दूर तक मिलेगा, सिलचर तक मिलेगा, फिर टवांग तक मिलेगा, तेजपुर, ईटानगर, सब जगह जाता है, यहाँ में मिल जाएगा। ये स्पॉट होता है, ये खाना पड़ा और एक ISBT गुवाहाटी ISBT। तो आप लोगों को बता दिया, तो ये अभी चढ़ाई हो रहा है, नामाई हो रहा है, ये जोराबट है, ये हिल्स एरिया है, ये मेघालय में आ जाता है ये वाला इलाका। तो जोराबट क्रॉस करने के बाद वहाँ हम लोग को फिर से असम में घुस जाएंगे। देख सकते हो हिल्स होने से मतलब अच्छा लगता है ना, ये राइडिंग इनक्लाइन लीन करके बाइकों को, और बाइक थोड़ा ज़्यादा CC होना चाहिए, जैसे कि 650 CC प्लस होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। मेरे को ये वाला चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ, देखते हैं, लेकिन चेंज करूँगा तो इसको बेचूंगा नहीं, ये साथ में ही रखूँगा, पास में रखूँगा, दोनों को मतलब चलाता रहूँगा मतलब। तो अगर नेक्स्ट बाइक खरीदूँगा तो देखता हूँ 650 CC, या नहीं तो सेकेंड हैंड ये KTM ड्यूक, वो माइलेज के लिए, इसमें माइलेज बहुत ही कम देता है, 25 देता है। अगर हाईवे पे चलाऊंगा तो 23-24 देता है, अगर 80+ चलाऊंगा तो वही। अब माइलेज कम, जैसे कि ड्यूक, जिसके MT 155 या R15, ये सब 40 का ऊपर देता है, MT में तो 45 में देता है। तो देख लो यहाँ में कहाँ 25 और कहाँ 45, देख सकते हो बहुत ही खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट गुवाहाटी तक पहुँचने के लिए 1700 या 2000 पेट्रोल जलता है मेरा। तो देख लो अगर वो MT हो जाएगा तो यार 900-800 में हो जाएगा यार, सच में बोल रहा हूँ ऐसा टाइप का। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, बस इतना मतलब बोलना चाहता हूँ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हुआ, आने का टाइम में कुछ भी पंचर वंचर कुछ भी नहीं हुआ, ये शुक्र है, वो लॉर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी दुआ करता हूँ कि मतलब ये पंचर वंचर कुछ भी ना हो। तो गाइस देख सकते हो नौगांव पहुँचने वाला है, यहाँ से नौगांव 80 किलोमीटर, गोलाघाट 246 किलोमीटर दिखा रहा है। तो थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, मेकअप करना है, 4 लेन है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर हर महादेव नाम लेके चलते रहो चलते रहो। एक ही डेस्टिनेशन होता है हम लोगों का, तो चलते रहो चलो। अगर मेरा टेलीपोर्ट का पावर होता तो डायरेक्ट जोरहाट टाइप करता, मारने के बाद डायरेक्ट जोरहाट गायब हो जाता ना, अभी थोड़ा बोर लग रहा है, लेकिन जो भी हो आगे तो बढ़ना ही है। ये 4 लेन का मजा कुछ अलग टाइप का होता है, तो आज इस बार ज़्यादा तेज नहीं, 80-100।